मैं असली नाम तो ये था, क्योंकि ये हमेशा वशिष्ठ को पापा पापा बुलाता था, उसको पापा ही जानता था, क्योंकि अदृश्यंती भी उसको पापा कहती थी, जैसे घर में होता है ना, माँ पापा कहती है तो ये भी पापा कहता है। बहुत बार वशिष्ठ ने समझाया, ये मेरे को तात मत कहो, मैं पिता मैं हूँ तुम्हारा, नहीं पापा, नहीं पापा। इसलिए उसका नाम दूसरे ऋषियों ने खिल्ली उड़ाया, इसका बाप जो है ना बुढ़ा है। पराशर आ गया तो उनको सारा इन सबको देखो, उनके जीवन में उनका उद्देश्य क्या है, वो उद्देश्य तुम्हारे जीवन में आना चाहिए ना, कुछ तो आना चाहिए ना। तुम तो पैसे में ही खत्म हो गए, पत्नी में ही खत्म हो गए, वेद में खत्म हो जाओगे तो ठीक है, अनंतम में ही वेदा है, अनंत में अंत हो जाना अच्छा है, ये सब अंत अनंत है। पराशर ने देखा, मैं जो नहीं कर पा रहा हूँ उसको करने वाला हमको चाहिए, व्यास को पैदा किया, विचित्र परिस्थिति में, विकट परिस्थिति में व्यास को क्या जरूरत थी, मत्स्य कन्या की क्या जरूरत थी, वो दैट्स नॉट द क्वेश्चन एट ऑल, वेद चाहिए। क्या उद्धार किया इन्होंने वेद का, नाम ही पड़ गया वेद व्यास। उनका नाम कृष्ण था, द्वीप में पैदा हुए इसलिए द्वैपायन कृष्ण, पर वेद का विस्तार किया, व्यवस्था की, इसलिए वेद व्यास, व्यवस्थित करने वाला व्यास है, है? ये कंफ्यूज करने वाला व्यास है, पन्ना पलट के देखते रहो। व्यास भी इस कार्य को पूरा कर नहीं पाए, कुछ कमी रहेगी, इसलिए वो तो कल्पांत तक रहने वाले हैं, वेटिंग वेटिंग वेटिंग। अरे ये तो पुराण की कथा आप कहोगे, अरे हमारे सामने की बात है, कुमारी रबर्ट सारा जीवन दिया केवल वेद को निरूपित करने के लिए, बौद्धों ने सबको खत्म कर दिया था, ये एक युवक खड़ा हुआ, चैलेंज किया, उन्हीं की युक्तियों को लेके सिद्ध किया, जिसको तुम अपना आधार मानते हो वो सब अप्रामाणिक है, प्रमाण है तो स्वतः प्रमाण है, वेद प्रमाण है, निरूपित किया। ऐसे निरूपण करने में उनको जाके बौद्धों के अंदर दीक्षा लेकर उनको सीखना पड़ा, तब उनका सब पोल खुला ना, उन सब को पकड़ा, फिर उनका खंडन किया, जिसको गुरु माना उसका खंडन कर रहा है, इतना महान पाप है, उस पाप के प्रायश्चित के लिए तुषानल ने अपना शरीर छोड़ दिया, कौन, कुमारी लबन, कितना त्याग किया, ऐसा मानने की क्या जरूरत थी, लोग तो जय जयकार कर रहे थे कुमारी लबन, उन्होंने वेद को जिता लिया, जिताने में मैंने गलती की, वो गलती वेद विरुद्ध, इसलिए मैं उसका प्रायश्चित करूंगा, भयंकर मृत्यु थी, धीरे धीरे जलना, एकदम आग में कूद जाना तो ठीक है, खत्म हुई 5 मिनट में, तुषानल में बैठ के धीरे धीरे वो तुष जलता है, जब वो तुषानल पर बैठे थे तब एक 16 साल के ये सन्यासी दौड़ के आ रहे हैं, भाई मेरे को जरा आने में देरी हो गई, ट्रैफिक जैम हो गया, क्या करूँ मैं, जरा हमारा ये ग्रंथ पढ़ के देखो ये सही है क्या, ये विचार कर सकते हो, ये मर रहा है, उस समय ये आके महान आचार्य, कौन, शंकराचार्य, वो मैं इसलिए आया क्योंकि ये हमारा ये भाष्य देखो, ये व्यास के अनुकूल है कि नहीं, और वो भी कहता लाओ 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 मैं देखो। वो तुषानल की व्यथा बिल्कुल भूल गए, वाह वाह क्या लिखा है भाई, यदि मैं जिंदा रहता मैं इनके ऊपर वार्तिक लिखता, कोई बात नहीं मेरा शिष्य है वो वार्तिक लिखेगा, उनसे जाकर मिलो सुरेश्वर जी,
ये बिल्कुल सही है, तुम व्यास का काम करोगे, ये कर रहा है। फिर भी उनको संतोष नहीं हुआ, क्योंकि इन्होंने पूरी तरह देखा ही नहीं ऐसी प्रशंसा कर रही। व्यास स्वयं आकर कहते हैं, हाँ, लंबा चौड़ा उनके साथ शास्त्रार्थ करके, किसके साथ? शंकराचार्य के साथ। तब उसके बाद जब वो कहते हैं कि भाई आप सच्ची, मैं बाद में वाद करूँगा, आप सच्ची में बोलो आप कौन है, पद्मवचन, अरे क्या पूछ रहे हो, नारायण में और शंकर में वाद कभी खत्म नहीं होता है। तब उन्होंने बोला ये तो नारायण है, ये क्या कर रहे हो बेटा, आज मेरे को संतोष हो गया, वेद का उद्धार हो जाएगा। जो वेद में कमी थी, जिसके कारण बौद्ध आदि आक्रमण कर सकते थे, एकांगी हो गया था वेद, एस रिप्रेजेंटेड इट नॉट इन इटसेल्फ, अब तुम सही सामूहिक इसकी उपस्थिति कर सकते हो, अर्थ कर सकते हो। ब्रह्म विद्या को लेकर सारी वेद विद्या और ब्रह्म विद्या की स्थापना की है शंकराचार्य ने, पूरा जीवन दिया। जैसे ही वो प्रतिष्ठा हुई 32 साल में हरिओम बन सकता, क्योंकि उनका उद्देश्य ये था। क्या उस उद्देश्य के लिए हमको थोड़ा नहीं करना, पूरा जीवन तो हम नहीं दे रहे हैं, थोड़ा सा जीवन देंगे, ये वेद की सुगंधी सारे प्रजाओं में फैले है। इसी उद्देश्य से वेद में एक आस्था पैदा हो जाए, संपूर्ण अर्थ कौन जानता है। इसी दृष्टि से भगवान पहले यही सोचते थे कि वेद का मतलब ये यज्ञ आदि करते हैं ना, ये बिना वेद तो होता नहीं है, तो यज्ञ करने के लिए ही वेद है। हाँ, तो इससे क्या होगा पूछते रहो तो। इसलिए भगवान ने यज्ञ की कुछ विस्तृत व्याख्या ही, यज्ञ का, अरे जो कुछ करते हो वो यज्ञ है, यज्ञ होना चाहिए। यज्ञार्थात कर्मणो न्यत्र लोकोयम कर्म बंधन, हर कर्म जो तुम्हारा जो है किसी न किसी यज्ञ रूप से जुड़ा हुआ होना चाहिए, नहीं तो वो बंधन बन जाएगा। इसलिए बहुधा यज्ञ रूप उत्पन्न हुआ वेद से, ऐसा वहाँ अर्थ बतलाया। उसको फिर शंकराचार्य ने खोल के बतलाया, मुक्त होकर कर्म करने के लिए यज्ञ साधना, यज्ञ की बुद्धि करो, ईश्वरार्पण बुद्धि से ही कर्म करना है। उससे क्या होगा, ऐसा कर्म करो तो तुमको जिसको हम ब्रह्म विद्या कहते हैं ना, उस विद्या का प्रयोग आ जाएगा, अपने आप आ जाएगा। ये वैदिक सिद्धांत हो, एक सुंदर प्रार्थना है वेदों में, डायनामिक व्यू ऑफ लाइफ। लोग तो मृत्यु से डरते हैं, बहुत से लोग तो क्या कहते हैं, इनकम टैक्स वाले से ही डरते हैं, पुलिस वाले से डरते हैं। ये ते शतमयुतं पाशा मृत्यो मर्त्याय हन्तवे तान् यज्ञस्य मायया सर्वानवयजामहे। हे मृत्यु, मृत्यु को बुलाते, जैसे वो लड़ने वाला कहते ना, आ जा आ जा, उससे फिर वो उत्तेजित हो जाता है, चिढ़ जाता है। ये ऑस्ट्रेलिया का स्लैंडरिंग हो क्या उसको। हे मृत्यु, हमने सुना कि तुम्हारे पास 10,000 या हजारों 10,000 पाश हैं, जो मर्त्य मनुष्य को बांधने के लिए तुम लेकर आते हो, आ जाओ, हम तुम्हारे पास जो शक्ति है उससे बढ़कर हमारे पास शक्ति है। हमारे पास क्या शक्ति है, यज्ञस्य मायया अवयजामहे, माया माने शक्ति,
यज्ञ की शक्ति से उन सब पाशों को हम काट देंगे। ये चाहिए, ये हमारा जीवन का उद्देश्य है। हाँ, साइंस आ जाए, टेक्नोलॉजी आ जाए, कुछ भी आ जाए, हमें डर नहीं है। यज्ञ की बुद्धि चाहिए, उसके लिए हमें वेद के शरण में जाना पड़ता है। इसलिए अभी एक रक्षा मात्र यहाँ रखा, बहुत साल पहले संत सरोवर आश्रम में प्रसिद्ध गंगेश्वरान जी महाराज उदासीन आचार्य थे, उनका एक शिष्य आया, स्वामी जी हमारे पास एक हमारे गुरु जी के द्वारा दिया हुआ वेद संस्करण है, उनकी आज्ञा थी ये सर्वत्र वेद को फैलाना है। इतना सुंदर वो मुद्रित था, विशेष रूप से मोटे मोटे अक्षर में, ये रखने के लिए, जैसे मंदिर में मूर्ति रखते हैं वैसा रखने के लिए कई उन्होंने हजारों छपाए हैं। हार्वर्ड आदि यूनिवर्सिटी में भी उनका प्रसारण हुआ है, उन्होंने मांगा आपको चाहिए। वो एक प्रति मैं आपको देना चाहता हूँ, क्योंकि हम जानते हैं इसको आप सुरक्षित रख सकते हो और इसकी उचित व्यवस्था कर सकते हो। उन्होंने कहा बहुत अच्छा है, फिर मैं कर नहीं पाया। अब ही ठहरा, कोई भी निर्माण कार्य वहाँ होता नहीं। अब उस वचन को पूरा करने का ये पर्सनली स्पीकिंग मेरा ये एक संकल्प पूरा हो रहा है। उचित व्यवस्था हम दे रहे हैं, कम से कम थोड़ा वैदिक सूत्रों का पाठ होगा, सीखेंगे, देखेंगे, पढ़ेंगे, सारा वेद रखा हुआ है यहाँ पढ़ने के लिए। यही संकल्प से मेरा कार्य तो हो गया, अब आपका कार्य है। यदि ये संकल्प सही है तो अवश्य इसको आप लोग काम में लेंगे। इसी दृष्टि से हमने उचित स्थान, उचित समय और उचित भवन के लिए प्रतीक्षा कर रहे थे, बहुत लंबी प्रतीक्षा हुई। फिर जैसे हम राम जी को हनुमान जी मिल गए, सुग्रीव मिल गया, ऐसे हमको भी एक हनुमान जी मिल गए, एक सुग्रीव मिल गया, जो इस भवन का कार्य पूरा कर सके। हमारे प्रेमास्पद परेश भाई पटेल और उनका पुत्र जावण्य, इनको निर्माण कार्य में निरत देखकर मैंने उनको बताया ऐसा ऐसा हमारे, उन्होंने तुरंत उसको स्वीकार कर लिया। बहुत व्यस्त रहते हैं, बहुत कार्य करते हैं। कितने महीने लगे परेश भाई? 4 महीना 5 महीना इसका है? 3.5 महीना। अकल्पनीय था, मैंने सोचा दिसंबर में शुरू किया करे। इसलिए एक दिव्य शक्ति ही इनके द्वारा काम कर रहा है, और जैसा हम चाहते थे वैसा ही, एक भी चीज बिना मुझे पूछे नहीं किया है उन्होंने। आप लोग देख ही रहे हैं कितना परिष्कृत और संविद स्पंदों से भरा हुआ ये भवन है। इन दोनों के बिना तो ये कार्य हो नहीं सकता था। मैं किन शब्दों में आपको धन्यवाद दूँ? भगवान भाष्यकर की कृपा, सभी ऋषियों की कृपा आपके ऊपर रहे, आपके सारे टीम को जो बहुत तत्परता से कार्य करते थे। कुछ लोग तो आए हैं ना आपके काम करने वाले, उनका सारा नाम अमर है, सुधीर जी अभी बताएंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं